हेलो गाइस, अनुभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि बड़े बड़े जो हमारे पास टब होते हैं, जो भी कंटेनर होते हैं या टब गमले होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं हम लोग जिसमें गार्डनिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं या गमले होते हैं, उसको हम कम मिट्टी में कम खाद में किस तरह से उसको भर सकते हैं या प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो आज मैं, ये नींबू का प्लांट है मेरा, ये बारहमासी नींबू है और मैंने कटिंग से लगाया था बारिश के दिनों में, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। तो वही आप लोगों से शेयर करना था कि मेरे पास तो इतनी मिट्टी होती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, मेन सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर मिट्टी की बहुत दिक्कत होती है। मुझे कोई ला के नहीं देता मुझे मिट्टी, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि भाई किस तरह से कम मिट्टी में अपने गमलों को, इतने जो बड़े बड़े होते हैं उनको भरूँ मैं। तो देखिए गाइस, ये मेरी मिट्टी है, जो गमले खाली किए थे मैंने, उनको अच्छी तरह से मैंने सुखा लिया, महीने भर सुखाया है। उसके बाद क्या क्या मिक्स करूँगी वही शेयर करूँगी। और जो ये देखिए मेरे, ये किचन वेस्ट है, इनको मैंने सुखा लिया है अच्छी तरह से। ये देखिए गोभी वगैरह जो है ख़राब हो जाते हैं, जो भी चीज़ हो या फिर छिलके होते हैं उनको मैं अच्छी तरह से सुखा लेती हूँ। तो इनको किस तरह से मैं भरूंगी वही आप लोगों से शेयर करना है। तो सबसे पहले जो मिट्टी है मेरी, मिट्टी में क्या क्या मिक्स करना, वैसे तो इसमें सब कुछ मिक्स ही है, फिर भी इसको पावरफुल बनाने के लिए मैं और क्या डालूंगी। ये मेरे पास है आपका, ये लीफ कंपोस्ट है, जो मैं लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ, ये मैंने मिक्स कर लिया देखिए इस तरह से। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चाय की पत्ती, मेरे पास है बहुत ज़्यादा चाय की पत्ती होती है, तो इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी मिट्टी में, मिक्स करती हूँ मैं। और जो खाद बनाती हूँ, किचन वेस्ट वगैरह बनाती हूँ, गोबर की खाद बनाती हूँ, उसमें भी मैं ये चाय की पत्ती मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि उसकी जो पावर है वो थोड़ा बढ़ जाए, इस वजह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है इसको, और मिट्टी को जो है आपके फंगस या फिर कीटाणु वगैरह से किस तरह से आप बचा सकते हो, तो उसके लिए मैं डालूंगी ये नीम की खली है मेरे पास, एक मुट्ठी नीम की खली डालूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये बहुत सारी मिट्टी है, मुझे और भी बनाना है। मेरे सारे गमले खाली हो गए हैं, तो सीजन आ गया प्लांट्स लगाने का सर्दियों के, तो इसके बाद मैं डालूँगी आपके ये फंगीसाइड, साफ फंगीसाइड है मेरे पास, तो मैं एक चम्मच के करीब इसमें मिक्स कर लूँगी। कोई भी अगर कीड़े वगैरह होगा मिट्टी में, फंगस वगैरह होगा, तो ये ठीक हो जाए इस तरह से। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें आपकी और एक चीज़ डालूंगी, जिससे कि ये रोगाणुरुक्त रहे, ये है मेरे पास हल्दी, तो मैं हल्दी को भी मिक्स कर लेती हूँ मिट्टी में। हमारे यहाँ बहुत शोर होता है, तो गाइस प्लीज़ अवॉइड करना शोर, अगर आप लोगों को भी सुनाई दे रही है। तो इस तरह से मैं सारे मिट्टी जो है इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद देखिए गाइस, ये जो गमला है मैं किस तरह से इसको भरती हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैंने ठीपरी तो लगा दी है, और ये जो है जरा सी मिट्टी डाल दी इसमें, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें जो भी मेरे पास किचन वेस्ट है, किचन के निकले हुए छिलके, जो ये है आपके प्याज और लहसुन के छिलके। तो ये नींबू का प्लांट लगाऊंगी, इसलिए मैं इसमें प्याज के छिलके डालती हूँ, नहीं तो मैं जो फूलों वाले प्लांट्स होते हैं उसमें मैं नींबू के और सॉरी ये प्याज लहसुन के चीज़ नॉन वेज चीज़ नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि मैं फूल जो लगाती हूँ मेरे पूजा के लिए भी हो जाते हैं, तो उस वजह से नॉन वेज कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो इसलिए मैं नींबू और टमाटर मिर्च के जो लगाती हूँ उसमें डाल देती हूँ, और जो मेरे आम के पेड़ है उसमें भी लगाती हूँ। तो उसके बाद देखिए, ये जो किचन वेस्ट है, ये देखिए केले के छिलके हैं इसमें, आलू के छिलके हैं, सब्जियों के, सभी सब्जियों के छिलके हैं। इस तरह से इसको इसमें आधे मतलब उसके गमले के करीब ये भर दूँगी मैं, तो ये बड़े बड़े हैं। तो इससे अगर आप इस तरह से मतलब करते हो तो आपके जो है मिट्टी जो है कम लगता है इसमें, और जो प्लांट्स होता है प्लांट्स को भी आपको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये धीरे धीरे स्लो रिलीज होते हैं, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं, और आपके जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स को भी आपके मतलब खाद मिलता रहता है। तो जितने भी मतलब चीज़ें थे मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए बीट रूट था, ख़राब हो गया था, ये भी डाला मैंने। तो डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से दबा दबा के, जिससे कि आपके जब ये सारे डिकम्पोज हो जाएंगे और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ज़्यादा ही मतलब नीचे हो जाएगा, इस वजह से इनको अच्छी तरह से इस तरह से मतलब कूट के अच्छी तरह से इस तरह से देखिए,
छोटे छोटे उसमें हो जाएंगे तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे और ये आपके जो है मिट्टी भी ज़्यादा नीचे नहीं हो पाएगी। तो देखिए मैंने दबा दबा के अच्छी तरह से इसको दबा दिया है जिससे कि आपकी जो मिट्टी डालने के बाद बैठ ना जाए प्लांट लगाने के बाद। तो इस तरह से डाल दिया, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें जिससे कि कोई फंगस वगैरह ना लगे, इसमें भी मैं डालूँगी आपकी नीम की खली, एक चम्मच के करीब नीम की खली डालूँगी जिससे कि ये डिकम्पोज होता रहेगा तो उसके बाद कोई फंगस ना लगे इसमें भी। ये देखिए इस तरह से मैं नीम की खली डाल ली है, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं तो हमें दिक्कत होती है मिट्टी की, तो मेरे पास उतने प्लांट्स है मिट्टी भी इतना नहीं है तो ख़रीदने को मिलता है रिक्शे वाले वगैरह जो रहते हैं यहाँ पे, तो रिक्शे वाले से कह दो तो वो ला के देते हैं 200 रुपया 300 रुपये एक बोरी ला के दे देंगे आपको। तो इस तरह से मैंने डाल ली है, उसके बाद जो है ये मिट्टी डालना है। ये इस तरह से देखिए एक लेयर मिट्टी की अच्छी तरह से डाल दीजिए, ये देखिए, जिससे कि आपकी डिकम्पोज होता रहेगा धीरे धीरे और आपके जो प्लांट्स हैं उसको भी खाद मिलता रहेगा। इस तरह से ये देखिए, इसे भी मैं अच्छी तरह से दबा दूँगी मिट्टी को, जिससे कि पानी पड़ते ही मिट्टी क्योंकि नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से देखिए, तो आप लोग भी इस तरह से मतलब आपके जो किचन वेस्ट या फिर गार्डन से निकलता है उसको मत फेंकिए, उसे भी आप इस तरह से हम लोग रीयूज़ करते हैं। हम गार्डनर्स सोचते हैं अपने गार्डन के बारे में, कुछ भी वेस्ट ना जाए, मेरे घर में तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि ये कूड़ा बीनने वाली है, कूड़ा ढूंढती रहती है। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने दबा दिया अच्छी तरह से, क्योंकि दाल दूल भी ख़राब हो जाते, कीड़े लग जाते तो मैं फेंकती नहीं हूँ, तो वो भी मैं डाल देती हूँ अपने किचन वेस्ट में या फिर ऐसे। ये देखिए, तो इस तरह से इसको मैं निकाल लूँगी, निकाल के आप लोगों से, तो देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है। तो देखिए इसके रूट्स जो है नीचे तक अच्छी तरह से कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी कटिंग की, ये देखिए, ये देखिए, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका अच्छी तरह से, मतलब हर चीज़ जो है आपको जो प्लांट्स है प्लांट्स की ग्रोथ भी होती रहेगी और इसको धीरे धीरे स्लो रिलीज वाले आपके फर्टिलाइज़र भी मिलती रहेगी। तो इसलिए इस तरह से सारी मिट्टी में भर दूंगी, फिलहाल आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। हल्के हाथों से थोड़ा सा ये इधर इसको थोड़ा सा मिट्टी जो है इसके ऊपर से कर देती हूँ, बाकी कुछ भी छेड़खानी नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि अभी इन लोगों का डोरमेंसी भी स्टार्ट हो जाएगा, सर्दियाँ तो आ चुकी है हमारे यहाँ तो आ चुकी है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको भर लिया है, पूरा अच्छी तरह से भर लिया है। अब दबा दबा के मिट्टी डालूँगी, उसके बाद मैं पानी डालूँगी। तो ऐसे जो बड़े बड़े मेरे पास और भी टब है, एक टूटा हुआ टब था, बाल्टी था 25-30 लीटर का, तो उसमें भी मैंने ऐसे ही सारा किचन वेस्ट जो है गार्डन वेस्ट है वो डाल रखा है, वो दिखाती हूँ आप लोगों से। तो गाइस इस तरह से ही मतलब पूरा भर के आप लोग भी वो कर सकते हो। तो उसके बाद जो है आपका ये जो है किचन वेस्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा और धीरे धीरे ये डिकम्पोज होता रहेगा और इसे भी खाद मिलता रहेगा। तो गाइज़ इस तरह से आपको भी कर लेना है आपने किचन से और गार्डन से निकलने वाले हर चीज़ को इस तरह से गमलों में दबा के रख दीजिए। तो इससे आपका भी तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल अनुभास गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इतना स्पेस नहीं है तो इस वजह से मैं वीडियो पूरा नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए बस इतना ही बनेगा।